बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में आज से स्कूल और मदरसे खुलेंगे, तो करीब 8 महीने का वक्त गुजरा जब स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब स्कूलों को खोलने की इजाजत 9वीं से लेकर 12वीं तक की मिली और ऐसे में आज से स्कूल और मदरसे दोनों ही खुलेंगे, जहां छात्र अपने परिजनों की, अपने अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूलों में आ पाएंगे। तो कंटेनमेंट जोन जो हैं उनके बाहर के ही जो स्कूल हैं उनको खोला जाएगा, कंटेनमेंट जोन में आने वाले स्कूलों को भी नहीं खोला जाएगा। वही स्कूल 2 शिफ्ट में खोले जाएंगे, 2 शिफ्टों में ये पढ़ाई होगी। पहली शिफ्ट की बात करें तो 9वीं से लेकर 10वीं के छात्र होंगे इस शिफ्ट में, वही दूसरी शिफ्ट होगी 11वीं से 12वीं की क्लासेस की। सभी स्कूलों को कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना होगा, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी, अभिभावकों की अनुमति से ही बच्चे स्कूलों में आ पाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूल 9वीं से लेकर 12वीं तक के खुल गए हैं आज से, और आज से बच्चे स्कूल आ पाएंगे, लेकिन अपने अभिभावकों की अनुमति के साथ ही। और साथ ही आपको बता दें कि एक चुनौती कहीं ना कहीं स्कूलों के लिए कि आखिरकार बच्चों की संख्या को किस तरह से व्यवस्थित की जाएगी। और हरिंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही निकिता सरीन हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ गई हैं, दोनों का ही रुख कर लेते हैं। तो निकिता, आज स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी है क्योंकि अभी तक जिस तरह से अनलॉक की जो भी प्रक्रिया सामने आई है उसके बाद संख्या बढ़ी, हालांकि अब काफी कम हो रही है, लेकिन एक चिंता अभिभावकों को अभी भी कहीं ना कहीं स्कूलों के खुलने को लेकर है। बिल्कुल ऋतु, अगर हम बात करें, धीरे धीरे कोरोना के केसेस तो भले ही कम हो रहे हैं और लाइफ भी बैक टू न्यू नॉर्मल्स के साथ जीने के लिए स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर आज लखनऊ में जो स्कूल्स हैं वो आज से खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम बात करें अभिभावकों की तो फिलहाल अभी उनका 30% कंसेंट ही आया है, और यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी अभी उतनी मात्रा में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज से अब स्कूल्स खुल रहे हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट्स अगर हम शिफ्ट्स की बात करें तो जाहिर सी बात है 2 शिफ्ट्स में यहाँ पर सब डिविजन्स हुआ है स्कूल्स का, पहली 8 बजे से है और दूसरी 11 बजे से है, और बीच बीच में ये जो गैपिंग है वो सिर्फ इसलिए रखी गई है कि ताकि जो है सारी क्लासरूम्स को सैनिटाइज कर दिया जाए। और आज क्योंकि पहला दिन है तो स्कूल्स में कई रिचुअल्स हैं जिसमें आज म्यूजिक के साथ यहां पर स्टूडेंट्स का वेलकम किया जाएगा। अब मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि आप यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं जो जगह जगह पे यहां पर मास्क और साइन लगा रखे हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, और सामने आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क भी बनाई गई है जहां पर स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा यहां पर खासा ख्याल रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबे इंतजार के बाद क्योंकि स्कूल्स खुले हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट से ज्यादा मैम ये चुनौती सबसे ज्यादा होगी आपके लिए? जी, थैंक यू वेरी मच। ये चुनौती बिल्कुल है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें खुशी है, बेहद खुशी है कि इतने महीनों बाद हमारे बच्चे लौट रहे हैं हमारे स्कूल में, और स्कूल स्कूल जैसा महसूस होगा हमें जब बच्चे आएंगे, नहीं तो ये सिर्फ 4 दीवारी ही लग रहा था अब तक। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग बच्चों को, हम लोगों ने बैनर्स भी लगा रखे कि वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस हियर टुडे एंड टुडे ऑनवर्ड्स। टीचर्स भी बहुत खुश हैं कि अब वो साक्षात बच्चों को देख पाएंगे, उनको पढ़ा पाएंगे। नीडलेस टू से ऑनलाइन क्लासेस हमारे बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन एक जो संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन फेस टू फेस टीचिंग और लर्निंग का होता है और ट्रांजैक्शन ऑफ अ लेसन होता है, वो शायद अब होगा। और बच्चों भी बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों की बच्चों से बातचीत हमेशा होती रहती है, तो बच्चे भी बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो अब अपने दोस्तों को देख पाएंगे। मैम, क्योंकि एक और बात भी जानना चाहेंगे, आज पहला दिन है, किस तरीके के से क्लासेस चलेंगी, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कितनी स्ट्रेंथ में बच्चे यहाँ पर मौजूद रहेंगे? मैं बताना चाहूंगी आपको, शुरुआत में हम लोग सिर्फ क्लासेस 10 और 12 को बुला रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेटली बुला रहे हैं। जैसे आज हम अपनी कैंपस की बात करें तो सिर्फ क्लास 10 के बच्चे हमारे आएंगे पेरेंट्स की सहमति के साथ। जितने बच्चों को पेरेंट्स की सहमति जिनसे हम हासिल कर पाए हैं, जिन्होंने दी है, उतने ही बच्चे हमारे पास आएंगे। आज 8:20 से 11:20 तक का लेसन्स उनका चलेगा। पहला जो सेशन होगा, आते ही हम उन पर हावी नहीं होना चाहते कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए स्कूल में आए हैं, हम उनसे थोड़ा गपशप करना चाहते हैं, हम उन्हें एक इमोशनल दिलासा दिलाना चाहते हैं कि वो बहुत रेजिलिएंट हैं, बहुत स्ट्रांग हैं हमारे बच्चे, बहुत सक्षम हैं,
और एक दिल से दिल की बात वाली जो होती है टीचर्स और बच्चों में, सीएमएस में हमारा वो कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एजुकेशन इज ऑल अबाउट होम एंड स्कूल कनेक्ट. तो बिल्कुल ऋतु, यहाँ पर जैसे हमें टीचर्स से भी तमाम जानकारी मिली है कि जितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने कंसेंट दिया है उसी के बाद से वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो गाइडलाइंस है प्रोटोकॉल का पूरा उसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर राजधानी में लखनऊ में स्कूल्स खुल गए हैं. ऋतु, बिल्कुल, यानी कि जो एक 8 महीने का वक्त गुजरा, काफी उतार चढ़ाव आए, कह सकते हैं कि बड़े जब कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता रहा तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं ये भावना, और उसी भावना को शायद स्कूल अब अच्छे से यहाँ पर सामने रखेगा और एक हेल्दी बातचीत यहाँ पर की जाएगी. चलिए निकिता, आप बने रहिए हमारे साथ, हरिंद्र का रुख कर लेते हैं. हरिंद्र, आप बताइए वहां पर किस तरह से तैयारी, जो मानक गाइडलाइंस जो कोरोना को लेकर है क्या वो फॉलो होती हुई दिख रही है, क्या कुछ ऐसे भी यहाँ पर स्कूल है जो शायद अभी नहीं खुल रहे? देखिए ऋतु, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने गाइडलाइन के साथ स्कूल खोलने का आज से निर्णय लिया है, तो खास तौर से 2 पाली में 9 से और 12 कक्षा के बच्चे 2 पालियों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे. लेकिन ग्रामीणांचल क्षेत्र में अभी भी दहशत है. जो महानगर में तो ठीक है, ग्रामीणांचल क्षेत्र के अभिभावक अभी भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहते, लेकिन स्कूल प्रबंधन लोगों से ज्यादा संपर्क कर रहा है कि आप सुरक्षित बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि स्कूल में हेल्प डेस्क बनाया गया है. साथ ही साथ स्कूल में जब बच्चे प्रवेश करेंगे अंदर तो उनके हाथों को सैनिटाइजर किया जाएगा. जिसके पास मास्क नहीं रहेगा उस बच्चे को मास्क भी विद्यालय प्रबंधन उपलब्ध कराएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगा. खास तौर से कहा जाए तो विद्यालय प्रबंधन और जो अधिकारी हैं, अधिकारी खास तौर से लगे हुए हैं कि विद्यालय को सुचारू रूप से 2 पालियों में जो 9 से 12 के कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाने का प्रक्रिया शुरू की जा रही है, कहीं चूक ना हो, कहीं कोई गलती ना हो, ताकि कहीं से कोई शिकायत न आए कोविड को ध्यान में देखते हुए. और एक बात यह भी है कि काफी दिनों से विद्यालय बंद थे, बच्चों के मनोबल थोड़े से डाउन जरूर हुए थे, लेकिन आज विद्यालय आज से जो 2 पालियों में खुल रहे हैं इसको लेकर के बच्चों में उत्साह और शिक्षकों में उत्साह, अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला. बिल्कुल हरेंद्र, आप बने रहेगा. निकिता का हम एक बार फिर से यहाँ पर रुख करना चाहेंगे. निकिता, ये बताइए जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल तो कहीं ना कहीं अपने तौर से तैयार है, लेकिन दिक्कतें क्या इस दौरान कुछ उन्हें आने वाली हैं? क्योंकि अगर हम एक क्लासेस की बात करें तो 40 से 45 या 50 कभी कभी एक क्लासेस में बच्चे होते हैं, ऐसे में हर एक सेक्शन को यहाँ पर संभालना, किस तरह से ये काम किया जाएगा? अगर आप वहां पर मौजूद हैं, जो वहां पर देख रहे हैं इन चीजों को, आप उनसे बात कर पाए तो. सबसे पहले ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट डे है तो डिफिकल्टीज का जरूर सामना करना पड़ा है, और ये डिफिकल्टीज जो है इसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि अभी तक क्या होता था कि एक सेक्शन में 100 से 150 तक के बच्चे होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि शिफ्ट में इसीलिए सब डिविजन किया गया है क्योंकि सब इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, और अगर हम बात करें सिर्फ 30% बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो भी तभी जब जिला प्रशासन और स्कूल्स के साथ एक मीटिंग की गई थी, उन्होंने जब ये पेरेंट्स से ऑर्डर्स ले लिए और उसी कंसेंट साइन कर दिया उसके बाद यहाँ पर बच्चे आए, तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को यहाँ पर बैठाया जा रहा है और तमाम प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है. आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कैमरे की तस्वीरों में कि एक बच्चों के लिए जो वार्म वेलकम है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है. एंट्री पे जो कोविड हेल्प डेस्क है वो तैयार की गई है. और अटेंडेंस की बात करें ऋतु, तो यहाँ पर देखें पिछले साल तक यहाँ जब तक स्कूल खुले थे महीनों पहले यहाँ पर क्लासेस में अटेंडेंस होती थी, लेकिन अब अटेंडेंस भी यहीं पे एंट्री पे ही बनाई गई है. तो कम से कम चीजें यूज हो इस पूरी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज स्कूल खुल गए हैं. और आज कुछ बात करने के लिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अगर हम डिफिकल्टीज की बात करें तो उनको सामना करना पड़ा. आपसे जानना चाहेंगे, लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुल रहे हैं, क्या एक चुनौती है और क्या चैलेंजिंग होगा क्योंकि पहला दिन है आज स्कूल का? तो चुनौती तो है ही है, बहुत अच्छी बात है जो आज स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल खुल जाना चाहिए. सबसे पहले मैं एक और चीज भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी ऋतु की, ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि स्कूल टाइम यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे भी आ रहे हैं. कुछ बच्चे भी यहाँ पर अवेलेबल है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका मानना है. आप बताएं, लंबे इंतजार के बाद एक स्कूल यहाँ पर खुले हैं,
कैसा लग रहा है आज फर्स्ट डे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए मैम। क्या कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करवाया गया है आपसे? क्या कुछ एक नोट दिया गया था किस तरीके से आना है, कुछ बताएं हमें। मैम अ मास्क इज ऑलवेज नीडेड, मैम अ सैनिटाइजर, मैम हैंड ग्लव्स एंड मैम यस मैम। ठीक है, तमाम गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद हैं स्कूल की और उनसे भी बात करेंगे जानेंगे। मैम सबसे पहले तो जो बच्चों को आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है वो पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्या डिफिकल्टीज भी फेस की क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में बच्चे थे, इस बार नहीं आ पाए हैं, दो शिफ्ट्स में डिवाइड किया गया है? चुनौतियाँ बिल्कुल हैं हमारे सामने। एक तो ये इनेविटेबल एक जो माइंडसेट होता है कि बोर्ड एग्जाम्स, चूँकि ये हम क्लासेस 10 और 12 की बात कर रहे हैं आज, तो बोर्ड एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस तो होता ही है माइंडसेट में, क्योंकि कोर्सेज ऑफ कोर्स कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो वो एक फेस टू फेस टीचिंग और लर्निंग की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन हम सक्षम हैं, CMS में हमारे सब प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस मेंटेन किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि चूँकि आज पहला दिन है, शायद पेरेंट्स जो कि बहुत अभी इस वक्त कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं वो बाय एंड बाय ज़रूर करते आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दो दिन के अंदर स्ट्रेंथ भी हमारी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोगों की पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग हुई थी, क्या कुछ उनमें एक डर सा दिखाई दे रहा था, क्या कुछ उनकी बातचीत से लगा आपको कि क्यों अभी, क्योंकि अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, न्यू नॉर्मल्स के साथ अब हम लोग जीवन व्यतीत करना ही होगा, तो क्या डर था पेरेंट्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो? इसमें मैं एक फ्रैंकली आपसे बात करना चाहूँगी कि एक मिक्स्ड फीलिंग थी। मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स इसके पहले भी कई बार आए और हमसे ये पूछते रहे कि मैम स्कूल आप कब खोलेंगी, बच्चे अब घर में बैठे परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग भी उनका सैचुरेशन लेवल अब एक आ गया है, वो अब अपने टीचर से मिलना चाहते हैं, वो स्कूल आना चाहते हैं। तो मुझे ये बड़ा एक इनकरेजिंग स्टेटमेंट लगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी बात भी बहुत सही है, जब हमने ऑनलाइन मीटिंग्स ली पेरेंट्स से इस दौरान स्कूल खुलने से पहले, जो जब GO आया हमारा कि 19 अक्टूबर से स्कूल्स खुलने हैं, तो एक फैसेट जो था वो था कि पेरेंट्स बहुत ईगर थे, लेकिन दूसरा फैसेट ये भी था कि कई पेरेंट्स अभी भी बहुत स्केप्टिकल हैं, बहुत श्योर नहीं हैं कि ये एक सेफ मूव रहेगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार भी चाह रहा है कि हमारी बच्चों की पढ़ाई ना रुके और आगे ही बढ़ती जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये न्यू नॉर्मल जो हमारा है वो एक नॉर्मल में तब्दील हो जाएगा। चलिए, कोशिश यहाँ पर तो बिल्कुल यही है स्कूलों की भी, स्कूल प्रबंधन की भी, कि जो सुरक्षित वातावरण है वो बच्चों को उपलब्ध कराए और जो विश्वास अभिभावकों का स्कूलों पर बना है वो बना रहे। चलिए निकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।